हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंद्रप्रस्थ लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा। आई एम डॉक्टर नीलम पांडे। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द रिवॉल्यूशन इन इंडिया एंड एब्रॉड। सो लेट्स स्टार्ट द रिवॉल्यूशन इन इंडिया। द रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश डेवलप्ड डीप हेटर्ड टूवर्ड्स देम अमोंग अ सेक्शन ऑफ द यंग जेनरेशन ऑफ इंडिया। Many of them therefore choose the path of violence to gain independence for India. Students, British policy के against उस वक्त के की जो young generation थी भारत की, उनके अंदर Britishers के against काफ़ी घृणा फैल गई थी। तो इसीलिए ये जो यंग जनरेशन थी भारत की, इन्होंने हिंसा का रास्ता अपना लिया, वायलेंस का रास्ता अपना लिया भारत को आज़ाद कराने के लिए। दे वेयर कॉल्ड द रिवोल्यूशनरीज। द सेंटर ऑफ दिस रिवोल्यूशनरीज वेयर पंजाब, महाराष्ट्र एंड बंगाल। दे बिलीव्ड दैट इंडिया कुड अचीव इंडिपेंडेंस ओनली बाय एन ऑर्गेनाइज्ड वायलेंट मूवमेंट। दे वेयर प्रिपेयर टू रिसीव इवन फॉरन सपोर्ट फॉर दिस पर्पस। स्टूडेंट्स, ये जो यंग जनरेशन थी इंडिया की उस वक्त, जो हिंसा के रास्ते पर चल पड़ी, जो हिंसात्मक तरीके से आज़ादी पाना चाहती थी। वैसे तो इंडिया की हर पार्ट में रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज उस वक्त हो रहे थे, लेकिन फिर भी जो मेन सेंटर था रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ का, वो था पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। ये जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, इनका विश्वास था कि एक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंट मूवमेंट के जरिए हम भारत को इंडिपेंडेंस इंडिपेंड कर सकते हैं, भारत को आज़ाद कर सकते हैं। और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने फॉरेन सपोर्ट भी ली है। These are some popular revolutionaries movement in India. At first we see the case of Chapekar brothers, 1897. This was the first political assassination of British officer post 1857. Damodar Hari Chapekar, Balkrishna Hari Chapekar and Basudev Hari Chapekar sought at W.C. Rand, chairman of the Special Plague Committee. Students, ये जो चापेकर ब्रदर्स केस है, जो 1897 में ये घटना घटी है, चापेकर बंधुओं ने किया है एक घटना को अंजाम, ये जो इसमें प्लेग, पुणे में प्लेग की महामारी फैली हुई थी और W.C. रैंड प्लेग कमेटी के चेयरमैन थे। और इसी W.C. रैंड को ये तीन जो चापेकर ब्रदर्स हैं, इन्होंने इनकी हत्या की थी। और ये एक ब्रिटिश अधिकारी की 1857 के बाद ये पहली हत्या थी किसी ब्रिटिश अधिकारी की। दे वेयर अगेंस्ट द एट्रोकेटिस कमिटेड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द प्लेग एपिडेमिक इन पूना। इन ऑर्डर टू कर्व द स्प्रीड ऑफ एकेडेमिक्स, द गवर्नमेंट इंडेड अप हैरेसिंग इंडियन एंड टेकिंग एक्सट्रीम मेजर्स। द चापेकर ब्रदर्स वेयर हैंग्ड। स्टूडेंट्स, 1897 में पुणे नगर में प्लेग जैसी बीमारी फैली हुई थी। महामारी कितना भयंकर रूप ले सकता है, ये आज के दौर में हमसे बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो इस स्थिति में अंग्रेज अधिकारी जनता की मदद करने की बजाय उनको अपमानित करते थे, उत्पीड़ित करते थे। ये जो आपका प्लेग कमेटी का चेयरमैन है W.C. रैंड और एक अंग्रेज अधिकारी था आयर्स्ट, ये दोनों अंग्रेज अधिकारी लोगों के घरों में जबरन घुस जाते थे और यहाँ तक कि महिलाओं के साथ भी ये बदतमीजी किया करते थे। तो इन्हीं सब कृत्यों की वजह से
चापेकर ब्रदर्स के मन में इन ब्रिटिश अधिकारियों के अंदर के प्रति घृणा की भावना फैल गई और इन्होंने इसकी हत्या की योजना बनाई। हत्या में दामोदर हरी चापेकर और बाल कृष्ण हरी चापेकर शामिल थे और इन दोनों भाइयों ने रात के करीब 12:10 पर रैंड और आयस्ट पर गोलियां दागी। बालकृष्ण चापेकर ने आयस्ट पर गोली चलाई तो आयस्ट तो तुरंत मारा गया, किंतु रैंड 3 दिन के बाद ये हॉस्पिटल में मरा और इसके बाद ये दोनों भाई फरार हो गए और ये घोषणा की गई कि इन दोनों भाइयों के बारे में जो सूचना देगा उसे 20,000 का इनाम दिया जाएगा। तो उस वक्त इन्हीं के ग्रुप में एक द्रविड़ बंधु भी थे, द्रविड़ ब्रदर्स भी थे और इन द्रविड़ ब्रदर्स ने पैसे के लालच में इन बंधुओं के चापेकर बंधुओं का पता बता दिया, जिसमें दामोदर हरी चापेकर पकड़े गए और 18 अप्रैल 1898 को इनको फांसी दे दी गई। परिवार वालों को परेशानी से बचाने के लिए बालकृष्ण चापेकर ने आत्मसमर्पण कर दिया और वासुदेव चापेकर ने गद्दार जो द्रविड़ ब्रदर्स थे उनकी हत्या कर दी महादेव गोविंद विनायक राणा डे के साथ मिलकर और अंत में बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 को फांसी हुई है और वासुदेव चापेकर को 10 मई 1899 को फांसी दे दी गई। नाउ वी सी अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। डगलस किंग्सफोर्ड वाज अ ब्रिटिश चीफ मजिस्ट्रेट हु वाज द टारगेट ऑफ द बॉम्ब थ्रोन एट मुजफ्फरपुर। इंस्टेड टू वुमेन डाइड इन द अटैक। प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस हु थ्रू द बॉम्ब। प्रफुल्ल चाकी कमिटेड सुसाइड व्हाइल बोस काउट द सेंटेंस टू डेथ। स्टूडेंट्स, ये अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी जो है इसकी योजना प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बनाई थी। इनको इनके टारगेट में डगलस किंग्सफोर्ड था जो मुजफ्फरपुर का चीफ मजिस्ट्रेट था। टारगेट में ये मुजफ्फरपुर का ब्रिटिश चीफ मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड था, लेकिन मारी गई दो ब्रिटिश महिलाएं। डगलस जो ये जो मजिस्ट्रेट है डगलस, इनको जिस बग्घी पर बैठना था उस बग्घी पर वो ना बैठकर वो दूसरी बग्घी पर बैठ गया और इनकी बग्घी पर दो ब्रिटिश महिलाएं बैठ गईं। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को समझने में ये गलत फहमी हो गई कि किस डग्गी में डगलस किंग्सफोर्ड बैठा हुआ है। तो गलती से जिस बग्घी में दो महिलाएं बैठी थी ब्रिटिशर्स महिलाएं, उन पर इन्होंने बम फेंक दिया और वो महिलाएं दोनों मारी गईं। प्रफुल्ल चाकी और इन दोनों क्रांतिकारियों को घेर लिया गया। प्रफुल्ल चाकी ने वहीं सुसाइड कर ली और खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया गया और 11 अगस्त 1908 को 18 ईयर्स की एज में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। अरबिंदो घोष, बरीन घोष, कन्हाई लाल दत्त एंड 30 अदर्स मेंबर्स ऑफ अनुशीलन समिति वेयर आल्सो ट्राइड इन दिस केस। अनुशीलन समिति लेड बाय नेशनलिस्ट सच एज अरबिंदो घोष एंड हिज ब्रदर बैरिंदर घोष, द मेंबर्स ऑफ समिति मोस्टली यंग स्टूडेंट्स वेयर ट्रेंड इन मिलिट्री बॉक्सिंग स्वॉर्ड प्ले एंड अदर काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, अनुशीलन समिति
बंगाल में क्रांतिकारी यानी रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ को अंजाम देती थी इनडायरेक्टली, और इस अनुशीलन समिति में मैक्सिमम यंग स्टूडेंट्स ही होते थे और इनको ट्रेंड किया जाता था मिलिट्री बॉक्सिंग सिखाई जाती थी, तलवारबाजी सिखाई जाती थी और इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज उन्हें सिखाई जाती थी ताकि वो रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ को अंजाम दे सके। तो इस अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में 30 मेंबर्स जो थे अनुशीलन समिति के, इनकी भी संलिप्तता इन्वॉल्वमेंट पाई गई, जिसमें अरविंदो घोष थे, उनके भाई बरीन घोष थे, कन्हाई लाल दत्त थे, इनकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें पाई गई। नाउ वी सी हावड़ा गैंग केस 1910। अरेस्ट द ट्रायल्स ऑफ 47 बंगाली इंडियन नेशनलिस्ट ऑफ अनुशीलन समिति बिकॉज ऑफ द मर्डर ऑफ इंस्पेक्टर शमसुल आलम इन कलकत्ता। ही uncovered the revolutionaries network of Anusilan Samiti that linked the murder and other robberies. Students, अभी जो हम लोगों ने अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी देखी उसमें ये पढ़ा कि अनुशीलन समिति की संलिप्तता इन्वॉल्वमेंट पाई गई, तो इसका अनुशीलन समिति के साथ कनेक्शन है और अनुशीलन समिति रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ को अंजाम देती है, इस लिंक का पता लगाया था इंस्पेक्टर शमसुल आलम ने। तो इसी गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से अनुशीलन समिति के मेंबर्स ने इस शमसुल आलम की हत्या कर दी और इनके हत्या के केस में 47 बंगाली इंडियन नेशनलिस्ट अनुशीलन समिति के अरेस्ट हुए, जिसमें से कुछ अनुशीलन समिति के सदस्यों को उम्र कैद की सज़ा हुई, कुछ को 3-4 वर्ष की सज़ा हुई और किसी को कुछ महीने के सज़ा के बाद छोड़ दिया गया। और इसी केस के बाद अरविंदो घोष ने राजनीति से संन्यास ले ली और उन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू किया। दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1912। Assassination attempt on Lord Hardinge, then he Viceroy of India, on the occasion of the transfer of British capital from Calcutta to Delhi, a bomb was thrown into the Viceroy's carriage. Lord Hardinge was injured and an Indian attendant was killed. It was led by Ras Bihari Bose and Sachin Chandra शन्याल। स्टूडेंट्स, लॉर्ड हार्डिंग पर बॉम्ब फेंका गया था 1912 में। कलकत्ता से ब्रिटिश राजधानी को जब दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था तो इस अवसर पर वायसराय की गाड़ी पर बॉम्ब फेंका गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग तो घायल हो गया, लेकिन इसका लेकिन एक जो इंडियन अटेंडेंट थी था उसकी मृत्यु हो गई। और इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था रास बिहारी बोस, या जिसको हम कहें या फिर लीडरशिप दी थी, नेतृत्व दिया था रास बिहारी बोस और सचिन चंद्र शन्याल ने। और ये बम लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को चांदनी चौक में एक जुलूस के दौरान फेंका गया था, यानी जुलूस निकला था बकायदा जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र हो रहा था। और इस अपराध के आरोप में बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी व मास्टर अमीर चंद्र को फांसी दी गई। ये दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में किनको किनको फांसी हुई, तो बसंत कुमार विश्वास को हुई, बाल मुकुंद को हुई, अवध बिहारी व मास्टर अमीर चंद को हुई। और रास बिहारी बोस किसी भी तरह से बचते बचाते जापान फरार होने में सफल हो गए थे।
नाउ वी सी काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ ट्रेन रॉबरी नियर काकोरी इन उत्तर प्रदेश। ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी आप ये ट्रेन डकैती जो है ये उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन में हुआ था। इट वॉज लेड बाई द यूथ ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इंक्लूडिंग राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ठाकुर रोशन सिंह, अशफुल्ला खां एंड अदर्स। और इस घटनाक्रम को यानी काकोरी षड्यंत्र केस को अंजाम तक किसने पहुंचाया था, तो वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर्स जो थे इन लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठाकुर रोशन सिंह थे, असफुल्ला खां थे और भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे। इन 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी वॉज फाउंडेड एट कानपुर बाई सचिन चंद्र सन्याल एंड जोगेश चंद्र चैटर्जी विथ एन एम टू ऑर्गेनाइज आर्म्ड रिवोल्यूशन टू ओवरथ्रो कॉलोनियल गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। सचिन सन्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी ने इसकी स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य उपनिवेशिक साम्राज्य को उखाड़ फेंकना था। इन सितंबर 1928 मेनी ऑफ द मेजर रिवोल्यूशनरीज गैदर्ड ऑफ फिरोज शाह कोटला सेट अप अ न्यू एसोसिएशन बाय एडिंग सोशलिस्ट इनटू देयर नेम्स। स्टूडेंट्स, सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला में बहुत सारे क्रांतिकारी इकट्ठा हुए और इन्होंने इसका नाम, इन ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन था इसके पीछे सोशलिस्ट नाम जोड़ा। स्टूडेंट्स, क्रांतिकारियों द्वारा ये ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की योजना थी इन क्रांतिकारियों की, और इस युद्ध छेड़ने के लिए इनको हथियार खरीदने की ज़रूरत थी, और हथियार खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए ये योजना बनाई गई कि हम इस ट्रेन को लूटेंगे। जो ये घटना और 9 अगस्त 1925 को लखनऊ ज़िले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन की चेन खींचकर सरकारी खजाना लूट लिया गया। बाद में अंग्रेजी सत्ता ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, असफकुल्ला खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई, बाकी को काले पानी की सजा तथा किसी को 4-4 साल की सजा सुनाई गई। चिटगांव आर्मरी रेड 1930 अटेम्प्ट टू रेड द पुलिस आर्मरी एंड एक्सिलरी फोर्स आर्मरी फ्रॉम चिटगांव। इट वॉज लेड बाय सूर्य सेन एंड अदर्स। स्टूडेंट्स, भारत के महान क्रांतिकारी सूर्य सेन के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चटगांव, जो बांग्लादेश में है, को पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर लूटने का छापा मार करके लूटने का इन्होंने प्रयास किया था सूर्य सेन ने, और इसमें इनकी मदद की है कल्पना दत्ता, अंबिका चक्रवर्ती, सुबोध राय जैसे क्रांतिकारियों ने। दे वेर नॉट एबल टू रेड आर्म्स बट एबल टू कट द टेलीफोन्स एंड टेलीग्राफ वायर्स। तो ये जो इनके सहायक लोग थे, जिनसे कल्पना दत्ता, अंबिका चक्रवर्ती और सुबोध राय जैसे लोग, ये डायरेक्ट लूट में शामिल नहीं थे, बल्कि इन लोगों ने सूर्य सेन की मदद की थी टेलीफोन्स के और टेलीग्राफ्स के वायर्स को काट करके, ताकि कनेक्टिविटी कट जाए। आफ्टर द रेड सूर्या सेन होस्टेड द इंडियन फ्लैग एट द पुलिस आर्मरी। सूर्या सेन ने शस्त्रागार लूटने के बाद पुलिस स्टेशन पर भारतीय झंडा को फहराया था।
द गवर्नमेंट केम डाउन वेन हैवी मेजर्स सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट डिपोर्शन टू अंडमान. सूर्या सेन वाज ब्रूटली टॉर्चर्ड एंड सेंटेंस टू डेथ बाई हैंडिंग. और इस घटनाक्रम के बाद अंग्रेजों ने धरपकड़ इन लोगों की शुरू की और 22 अप्रैल 1930 की दोपहर को चटगांव छावनी के पास जलालाबाद के पहाड़ियों में जो क्रांतिकारी छुपे हुए थे इन्हें पकड़ लिया गया और इनको काले पानी की सज़ा दी गई अंडमान में और सूर्या सेन को फांसी की सज़ा दी गई 12 जनवरी 1934 को. आवर नेक्स्ट केस इज सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस 1929 एंड द लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1931. बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह थ्रू बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली अगेंस्ट द पासेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल. द इंटेंशन वॉज टू पॉपुलराइज द एक्टिविटी एंड फिलोसफी. स्टूडेंट्स, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल के अगेंस्ट बम फेंका था. जब असेंबली में ये बिल पास किए जा रहे थे तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने वहाँ बम फेंका था. हालांकि इनका इंटेंशन किसी को मारने का या हताहत करने का नहीं था. इनका मकसद सिर्फ ये था कि ये अपनी आवाज़ को, ये कहते इन्होंने कहा भी कि हम बहरी सरकार के कान खोलना चाहते हैं इसलिए हमने बम फोड़ा है, हमारा और दूसरा कोई मकसद नहीं है. तो ये अपनी एक्टिविटीज़ को पॉपुलराइज करना चाहते थे और अपने इनके जो आदर्श थे उनका ये उसको ये फैलाना चाहते थे. और इस कांड के बाद इन दोनों ने वहीं खड़े होकर अपनी गिरफ्तारी दी है. इनको जेल, इन पर मुकदमा चला और अपने मुकदमे की पैरवी भगत सिंह ने स्वयं की है और अपनी बाकियों की ये अपनी बातों को, अपनी फिलॉसफी को, अपनी एक्टिविटीज़ को ये पूरे भारतीय जनता के बीच लाना चाहते थे. दे वेर अरेस्टेड एंड जेल्ड फॉर द एक्ट. और इस कांड के लिए इन्हें अरेस्ट किया गया, इनको जेल हुई. भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद एंड राजगुरु रिवेंज्ड द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय बाय किलिंग जनरल सैंडर्स इन 1928. स्टूडेंट्स, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लिया जनरल सैंडर्स की हत्या करके 1928 में. भगत सिंह वाज अरेस्टेड फॉर द केस ऑफ जनरल सैंडर्स. दिस वाज नोन एज लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस. भगत सिंह ने इनकी सैंडर्स की हत्या की और ये हत्या जो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से इतिहास में जाना जाता है. आफ्टर द ट्रायल भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु एक्सक्यूटेड बाई हैंगिंग इन मार्च 1931 एंड चंद्रशेखर आज़ाद आल्सो डाइड द सेम ईयर इन फेब्रवरी इन द गन बैटल विद द पुलिस इन अलाहाबाद. स्टूडेंट्स, सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अरेस्ट कर लिया गया. इन तीनों को मार्च 31 में फांसी की सज़ा दी गई. 23 मार्च 1930 को लाहौर के सेंट्रल जेल में इन तीनों को फांसी दी गई और इसी साल 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेंड पार्क में एक भयंकर गोलीबारी हुई चंद्रशेखर आज़ाद और अंग्रेज़ों के बीच. और जब चंद्रशेखर आज़ाद को ये लगा कि उनके पास सिर्फ एक ही गोली बची है तो उन्होंने इस गोली से अपने आप को ख़त्म कर लिया. नाउ वी सी द रिवॉल्यूशन इन एब्रोड. कर्जन वाइलीज एसैसिनेशन 1909. कर्जन वाइली वाज एसैसिनेशन इन लंदन बाई मदन लाल धिंगरा इन इवनिंग ऑफ 1 जुलाई 1909. मदन लाल धिंगरा हैड क्लोज टाइज विथ इंडिया हाउस. इंडिया हाउस इन लंदन वाज फॉर्म्ड बाई श्याम जी कृष्ण वर्मा एंड वी टी सावरकर. स्टूडेंट्स,
करजन वायली की हत्या मदन लाल धिंगरा ने 1909 में की। लंदन में मदन लाल धिंगरा, जो लंदन में इंडिया हाउस थी जिसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा और वी डी सावरकर ने की थी, इस इंडिया हाउस के साथ मदन लाल धिंगरा का बहुत ही क्लोज रिलेशन था। द गदर मूवमेंट 1913। इन 1907 लाला हरदयाल स्टार्टेड अ वीकली कॉल्ड गदर। 1907 में लाला हरदयाल ने एक वीकली शुरू की थी जो गदर के नाम से जाना जाता था। हिज एसोसिएशन विथ मोर लीडर्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द गदर पार्टी इन 1913 इन नॉर्थ अमेरिका। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में नॉर्थ अमेरिका में की थी। दिस मूवमेंट वॉज प्लान्ड टू टेम्पर द लॉयल्टी ऑफ इंडियन ट्रूप्स फॉर्म सीक्रेट सोसाइटीज एंड एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सेट्रा। और इस गदर पार्टी की स्थापना के पीछे मेन मकसद था भारतीय ट्रूप्स की हेल्प करना, एक सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना और ब्रिटिश ऑफिसर्स के की हत्या करवाना, या जैसे मदन लाल धिंगरा वगैरह लोग करते थे तो कुछ क्रांतिकारियों को ये ट्रेंड करते थे इस तरह की घटनाक्रमों को अंजाम देने के लिए। दिस मूवमेंट वाज इंटेंसिफाइड बिकॉज ऑफ द कामागाटा मारू इंसिडेंट। और ये जो मूवमेंट थी गदर पार्टी की, ये प्रकाश में कब आई, तो कामागाटा मारू इंसिडेंट के बाद गदर मूवमेंट या गदर पार्टी प्रकाश में आई। गदर एक्टिविस्ट इन अ जापानीज शिप कॉल्ड कामागाटा मारू वेंट टू कैनेडा। डिस्क्रिमिनरी एमिग्रेशन लॉ ऑफ कैनेडा आफ्टर रीचिंग। कुछ इंडियंस जो थे गदर पार्टी के, वो एक जापानीज शिप थी जिसका नाम कामागाटा मारू था और ये कनाडा जा रहा था, और जैसे ये कनाडा पहुंचने को हुआ वहाँ एक लॉ ब्रिटिश सरकार ने तुरंत एक लॉ बना दिया कि जो भी भारतीय बाहर हैं उसके एक जो लॉ बनी, ये 29 अगस्त को सरकार ने एक विदेशियों के लिए एक अध्यादेश पारित किया जिसके अंतर्गत किसी को भी भारत आने पर उसके आने को अवैध माना जाएगा। और ये जो कामागाटा मारू सीप पर भारतीय बैठे थे उनके साथ भी ये रूल लागू होगा, यानी वो भी भारत में नहीं आ पाएंगे। और ये सीप वैनकोवर दे वेयर रिफ्यूज्ड परमिशन टू लैंड द सीप। अब जब ये वैनकोवर पहुंची सीप तो वहाँ इन भारतीयों को उतरने से मना कर दिया गया। द रिवोल स्टूडेंट, जब ये वहाँ बजबज बंदरगाह पर, ये वैनकोवर सिटी के बजबज बंदरगाह पर जैसे ही ये सीप वहाँ पहुँचती है, वहाँ ये जो भारतीय थे मोस्टली उसमें पंजाबी थे, उनकी तलाशी ली गई और इनके बीच संघर्ष हुआ जिसमें 18 यात्री पैसेंजर्स जो थे वो मारे गए, लगभग 25 पैसेंजर्स घायल हुए और बाकियों को पंजाब भेज दिया गया। द रिवोल्यूशनरीज ऑफ दिस पीरियड बिकेम हीरोज बाय देयर स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। दे इंस्पायर्ड मेनी पीपल टू ज्वाइन द नेशनल मूवमेंट। स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।